पूर्वांचल के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। शनिवार को गाजीपुर से लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा। उनके बेटे मन्नू अंसारी भी शामिल हुए हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा से दो बार विधायक रहे सिबकतुल्ला अंसारी के सपा में शामिल होने से पूर्वांचल में पार्टी की ताकत बढ़ गई है। पूर्वांचल में अंसारी परिवार राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर रहा है। मुख्तार अंसारी, जो कि अभी जेल में है, पिछले दिनों उन्हें पंजाब से यूपी जेल में शिफ्ट किया गया था। उनकी जेल बदलने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। शीर्ष अदालत के आदेश पर भी वो यूपी भेजे गए थे। सिबकतुल्ला अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बहुजन समाज पार्टी से दो बार विधानसभा जा चुके हैं और इस बार चुनाव की तैयारी में है। उनकी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है। अंसारी बंधु बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। सिबकतुल्ला अंसारी के सपा में शामिल होने के बाद परिवार भी सपा के में सिबकतुल्ला अंसारी के सपा में शामिल होने के बाद परिवार के भी सपा में आने की संभावना बढ़ गई है। मुख्तार अंसारी की शख्सियत के साथ बाहुबली, माफिया और दबंग जैसे शब्द जुड़े हैं। इसी को लेकर वो लंबे समय से जेल में भी है। इधर राज्य के सत्तारूढ़ सरकार माफिया के खिलाफ अभियान चलाए है। उनके संपत्ति ढहाने और जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में मुख्तार अंसारी का एक और मकान ढहाया जा चुका है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में दर्ज मामलों को लेकर उन्हें यूपी की जेल में लाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया है। आखिरकार सरकार उन्हें यूपी लाने में कामयाब रही। पूर्वांचल की राजनीति पर अंसारी बंधुओं का अच्छा असर माना जाता रहा है। यहाँ तक कि यहाँ से लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचते रहे हैं। सिबकतुल्ला अंसारी के सपा का दामन थामने के बाद निश्चित से पार्टी को मऊ, गाजीपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में ताकत मिलेगी।